मैं आशा पात्री, गुरु घासीदास साहित्य अकादमी से जिलाध्यक्ष। मैडम, मांगलिक कार्यक्रम सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है, लोगों के विवाह नहीं हो पाते, पर एक मंच में इतने सारे जोड़ियों का एक सब परिचय देना और उनका विवाह संलग्न हो पाता है, उसके बारे में क्या? ये बहुत ही अच्छा मंच है। सबसे पहले बात तो मैं ये बताना चाहूँगी, ये बहुत छोटे स्तर से हमारा शुरुआत हुई थी, लेकिन आज इतनी भव्यता देखते हुए आप खुद समझ सकते हैं, केवल यहाँ छत्तीसगढ़ से नहीं, भारत से भी नहीं, आज हमारे पास अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया से भी यहाँ पे युवक और युवती परिचय देने आए हैं, अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराए हैं। हम धीरे धीरे इसमें और अग्रसर होते जा रहे हैं। हमारा ये परिचय सम्मेलन अब हाईटेक भी हो चुका है, इसके लिए तुरंत पत्रिका का भी आयोजन है और वेबसाइट भी है, जिससे बहुत ज़्यादा सुविधा उपलब्ध हो जाती है। मैं डॉक्टर दुर्गा गेंदली लिखती हूँ और बिलासपुर से हूँ। यहाँ विगत 20-25 साल से परिचय सम्मेलन हो रहा है, जिसमें मैं पदाधिकारी के रूप में यहाँ पर सम्मिलित होती हूँ और अपना सहयोग और अपना निर्देशन यहाँ पर बीच बीच में देती रहती हूँ। तो भी आयोजन आप लोगों के द्वारा किया जाता है, समाज में बहुत अच्छा संदेश जाता है, उसे लेकर क्या कहेंगे? हम लोग इतने ज़्यादा इसके लिए प्रचार प्रसार करते हैं, है ना, कम से कम 2-4 महीना पहले से ही हम लोग प्रचार करते हैं, ताकि भव्य कार्यक्रम कर सके और इसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा हमारी युवतियों को, हमारी बहनों को मिल सकें, क्योंकि आज के समय में उनके लिए वर्क खोजना इतना मुश्किल हो गया है और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर बहुत सारे लोगों को एक कम समय में और कम खर्चीले में हमको यहाँ पर युवक लोगों के साथ में मिलने जुलने का मौका मिलता है। पहले तो मौका नहीं मिलता था, अब तो बिल्कुल एकदम से सामने में मिलने बैठने, बातचीत करने का और अपनी पसंद कहने का हमको मौका मिल रहा है। ये हमको समाज देता है, हमारे परिवार की तरह हमारा सहयोग देता है, जिसके लिए हम लोग उनके बहुत ही आदरणीय और उनके बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं कि हमको ऐसा प्लेटफॉर्म महिलाओं को आज के समय में मिल रहा है। मेरा नाम सुशीला सुनवानी है और मैं यहाँ की कार्यकर्ता हूँ, और ये जो परिचय सम्मेलन है एक शादी की विधि को सरल बनाने का एक बहुत छोटा सूक्ष्म प्रयास है। इससे क्या होता है कि हमारे समाज में जो विषमताएं हैं, एक मंच पे आके कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, सभी आते हैं और आके यहाँ पे परिचय देके अपना यहीं ऑन द स्पॉट पसंद भी कर लेते हैं, तो हम उनको बैकस्टेज उनका मीटिंग भी करवा देते हैं, तो एक प्रक्रिया सरल हो जा रही है, जिसके कारण हमारे गरीब वर्ग के भी बच्चे चाहे बड़े लोग हैं जो ढूंढने में समय नहीं दे पाते हैं, तो वो उनको सरलता हो जाता है और उसके कारण ये जो व्यवस्था है वो बहुत ही अच्छे से समाज तक पहुंच जाता है। और बहुत खुशी होती है कि काफ़ी लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और समाज की बेटियां, बहुत बेटियों की तो बात, सबकी बेटियां एक जैसे होती है, बहुत बेटियां भी है, तो घर घर जाके कौन ढूंढते रहे, है ना, और लड़के लोग भी संकोच करते हैं, तो यहाँ आके एक तो पत्रिका के माध्यम से भी उनको आसानी से मिल जाता है, तो पत्रिका भी हम छाप देते हैं, बहुत जल्दी से छापते हैं पत्रिका, 15 दिन के अंदर पत्रिका छप जाएगा परिचय सम्मेलन के बाद, तो उनको बहुत आसानी से परिचय मतलब मिल जाएगा, पता मिल जाएगा और डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। त्रिवेणी वार्गो सर, कहेंगे मैडम, इतना भव्य आयोजन, प्रत्येक वर्ष सतनामी समाज का यहाँ पर कार्यक्रम होता है, उसे लेकर काफ़ी उत्साह रहता है रायपुर में, क्या कहें? बहुत अच्छा प्रयास है सर, और इस मंच के माध्यम से उस सभी पेरेंट्स के लिए एक चिंता होती है कि विवाह एक बहुत बड़ी चिंता का विषय होता है, तो उनके लिए एक सरल हो जाता है और बहुत सारी प्रक्रियाओं से गुजरने के बजाय एक मंच में आके सभी को अपना मनपसंद जीवन साथी मिल जाता है, इसलिए इस मंच के द्वारा उनको ये अवसर दिया जाता है। नाम श्रीमती चंपा देवी गेंदले है और मैं इस समाज से बहुत साल से 94-94 से सोशल वर्क काम करती हूँ। और समझिए, यहाँ कितने वर्षों से आप लोग ये आयोजन कर रहे हैं, उसके बारे में? इस आयोजन जो 7 वर्षों से हो रहा है, ये 8वां वर्ष चल रहा है, और पहले और समिति है वो करीब 20 साल से आयोजन कर रहे हैं परिचय सम्मेलन के, उस समिति भी में हम लोग काम करते हुए इतना दूर आए हैं, तो इस तरह से यह कार्यक्रम दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है और यह कार्यक्रम हर जिला में प्रतिवर्ष की भांति इस साल बहुत जिले में ये परिचय सम्मेलन का कार्यक्रम हुआ है।